Anything else? Yes, some cabbage, please. It's lettuce. Lettuce, yes. Lettuce. Yes. Anything else? Some capsicum, please. No. Bell pepper. Yes. You mean bell peppers? We went over this. Yes. Anything else? Some more jalapenos, please. It's jalapenos. With an H. Thanks. No problem. Hey, Brooke. So you took the GRE to get in, right? नहीं मैं तो मैनेजमेंट कोटा से आया हूँ मेरे चाचा यहाँ के विधायक और इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं वैसे एक बात बता एक्सेंट का मेरे पढ़ाई से क्या लेना देना इंजीनियरिंग खत्म करके दिन रात मेहनत करके माँ बाप का ढेर सारा पैसा बर्बाद करके हम यहाँ आते हैं लेकिन तुम्हें उससे क्या तुम तो हमारे इंटेलिजेंस की कंपेरिजन सीधा अमेरिकन एक्सेंट से करते हो और माना कि इंग्लिश में थोड़े कम नंबर आए थे लेकिन जीआर के मैथ्स में और ओवरऑल इंजीनियरिंग में फाड़ के रख दिया था मैंने पर वो कोई नहीं देखेगा देखोगे तो बस मेरी एक्सेंट और अलग एक्सेंट से क्या उखाड़ लिया तुमने साले तुम ऊपर से नीचे तक कंफ्यूज रहते हो सैन जोसे को सैन जोसे बोलते हो जलपिनो को हेलोपिनो बोलते हो तो फिर जीसस को हीजस क्यों नहीं बोलते हो हैं इंफॉर्मेशन लेने में तो कंफ्यूजन है ही इंफॉर्मेशन देने में भी कंफ्यूजन चीज फ्राइज लिखते हो लेकिन उसमें बीफ डाल के देते हो चीज फ्राइज में बीफ कौन डाल के देता है और चलो डाला तो डाला सीधे सीधे बीफ चीज फ्राइज नहीं लिख सकते और बहन चोद चुप रहे जिस इंसान ने जिंदगी में चिकन के अलावा कोई और जानवर खाया ही नहीं साला उसे यूएस लैंड करते बराबर बिग मैक खिला दिया अब यार महाराजा बर्गर जैसे दिखने वाला बर्गर गलती से ऑर्डर कर लिया तो उसमें मेरी क्या गलती आज तक माँ बाप से झूठ बोलता हूँ कि मैंने कभी बीफ नहीं खाया अंडे को वेजिटेरियन बोलते हो साला कौन अंडे खा के बोलता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ ये तो वही बात हो गई ब्रो मैं दारू नहीं सिर्फ बियर पीता हूँ और ये सब भी छोड़ा ना तब भी रिलेशनशिप्स में पढ़ाई में सब में कंफ्यूजन है तुम्हें थका हुआ इंसान चैन से दो मिनट मूतने जाता है ना तो बाजू में खड़ा हुआ इंसान पूछता है हाउ यू डूइंग मन तो करता है उसको बोलो आजा भाई देख ले हाउ एम आई डूइंग यहां तो म्युनिसिपैलिटी ने अलग से पाइप फिट की है ना इधर उधर क्या देख रहा है मेरी तरफ देख